बताए क्या मामला है सर। ये कल चंद भाई 1:46 का कॉल आई थी, जिसने मेरे व मेरे परिवार को धमकी दी। मैं काफ़ी अपशब्द यूज करे, मैं गाड़ी चला रहा था उस टाइम पे। हमने उसके बाद उसे दोबारा कॉल करी। दोबारा कॉल करने के बाद हमने उसकी कुछ एक छोटी सी क्लिपिंग ऑडियो बनाई। सबसे मजबूत बात यह है कि वो इतनी ज़बरदस्त तरक्की कर रहा था, उसे ये पता था कि मैं अब DSP ऑफिस गया हूँ, अब मिनी सेक्रेटरी गया हूँ, अब फला जगह पे हूँ। उसकी रेखी इतनी मजबूत थी कि जो सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। हम तो हमारे चलो भी फेंक कॉल आ जाते हैं, लेकिन वो बाई नेम मेरे फैमिली मेंबर तक के वो जो आदमी नेम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को पूर्ण रूप से जानता है शहर में। उसने बाई नेम सभी को धमकी दी है, जो मेरी मिसेज है चेयरमैन वहाँ तक भी दी है, मेरे बच्चों को भी दी है। कहा क्या है उसने, एग्जैक्टली क्या कहा है? देखो, कैमरे के सामने तो शब्द नहीं कह सकते हम, धमकी क्योंकि की चीज की दी है, मतलब क्या धमकी डिमांड उसने है? जान से मारने की दी है। उन्होंने कहा कि भी बच्चे स्कूल से घर नहीं जाएंगे, जिस कुर्सी पे बैठे हो आराम से बैठ के टाइम काटो, वरना लाल बत्ती पे गोली मारेंगे। जो चेयरमैन है उसके भी जो अपशब्द उसने यूज करे हैं, देखो जनता के सामने जाने हैं, वो तो हमें नहीं बता सकते, हमारे पास हैं उसके। हमने उसकी एक ऑडियो क्लिपिंग बनाई दूसरे मोबाइल से, व्हाट्सएप कॉल की, हमने वो पुलिस को दे दी है। रात हमने एक लिखित में बयान सोनौली थाने में दे दिया था। अब हमारे जिला परिषद के कुछ हमारे साथी हैं, जो मेंबर्स हैं, जो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं, अब वो आए थे। पहले हम DC साहब से मिले, DC साहब ने हमें SP साहब के पास भेजा, फिर हम SP साहब से मिल के आए हैं अभी कैंप ऑफिस जाके। SP साहब ने देखो अच्छा वो कहा, SP साहब ने कहा कि लगभग 24 घंटे 48 घंटे में हम ट्रेस करके पता कर लेंगे, और जब तक आपको भी गनमैन दे रहे हैं और बच्चों की भी सुरक्षा रखना हमारी जिम्मेवारी है। कॉल कौन से नंबर पे आई थी? व्हाट्सएप कॉल पे आई व्हाट्सएप थी? व्हाट्सएप कॉल पे आई थी, +92 92। विदेश का नंबर है? हाँ, हमने गूगल पे वो सर्च पाकिस्तान करके देखा है, तो मेक्सिको का नंबर बता रहा है उसने गूगल भी, +92 किसी पे शक है आपको? +52 है। हाँ, शक है किसी पे? कौन देखो शक तो जी मेरा तो अनिल भाई नेचर रहा सरल सा है, मैं तो मोटरसाइकिल पर घूमता रहूँ, आप भी देखो शहर में सारा दिन। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी सोचा था भाई हमने कोई इस तरीके की हरकत हो सके हमारे साथ। डिमांड करी है उसने? नहीं, डिमांड डिमांड उसने कुछ नहीं करी है, वो बार बार यही कह रहा है कि चुपचाप बैठ के चेयरमैन नहीं कर ले, अन्यथा यह 5 मिनट का काम है चेयरमैन नहीं जाने का। संदीप भाई देखो, अभी 4 मंथ हुए हैं चेयरमैन बने हुए, 4 महीने में जितना हम अच्छा कर सके उतना अच्छा हमने कराया है। हमारी एक जिला परिषद के मेंबरों की टीम है, जो पुराने मेंबर हमारे साथ थे, हम सभी सलाह मशवरा करके काम करते हैं, और सभी का लगभग बराबर सा काम अलॉट किया हमने। ऐसी कोई बात नहीं, को फर्क वाली एक सिवाय छोड़ के प्रधान को, पूर्व प्रधान को छोड़ के, न वो हमारे पास आई है ना हम क्या। संदीप भाई, आपने पिछली बार जब जो चुनाव जीता है, 4 महीने हुए हैं आप प्रधान बने, आपकी धर्मपत्नी प्रधान बनी है, आपने BJP की खेमे की चेयरमैन को हटा के चेयरमैन ही ली है, कहीं उसकी कहीं दुश्मनी और कहीं वो तो एंगल नहीं बनता? नहीं, एक बात तो बताओ, हमारे ऊपर तो किसी पार्टी का लोगो था ही नहीं ना। जो मेरे साथ पार्षद हैं जिन्होंने मुझे बनाया है, वो भी तो BJP, चलो मैं तो ये मान लो आप राजनीति में नया था, जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं, वो मेरे पार्षद पदाधिकारी हैं BJP के। तो मैं या मेरे पर कोई कांग्रेस का लोगो हो या मैं कोई किसी कांग्रेस के मंच पर गया हूँ, मैं तो किसी के मंच पर गया ही नहीं, मेरा तो सदन ही मेरा मंच है, मैं तो अपने सदन के साथ ही अपना सदन में गुजार रहा हूँ। जो सरकार आओगी, सरकार से कोई डिमांड होगी तो सभी पूरा सदन लेके चले जाएंगे मांगने के लिए, हाईकमान का काम दे देंगे, तो हम लोगों में विकास कर देंगे। मुख्यमंत्री से भी मिले हो आप इस बारे में? नाम भी बताया था उसने अपना फोन पे? नहीं, हमने बार बार उसे उकसाया नाम बताने के लिए, मैंने अपना बार बार नाम भी बोला उसको, आगे से कहा थोड़ी बदतमीजी करने की हमने कोशिश करी ताकि तेज में आके नाम बता दे, उसने अपना नाम नहीं बताया है। उसने वैसे कहा है कि तुम जिसके भरोसे जीतते हो जो करते हो, मैं उन सब का बाप हूँ, इस तरीके के शब्द कह रहे थे। मुख्यमंत्री से भी मिले हो इस बारे में या मिलने का टाइम लिया? नहीं, अभी मुख्यमंत्री से हम नहीं मिले हैं, हम जल्द ही, अगर पहली बात तो मानते हैं कि हमें कहीं तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SP साहब ने हमें अच्छा आश्वासन दिया है और अच्छी ही बात कही है,
तो शायद हमारा मामला निपट सके। आवाज को जाने पहचाने लगी हो आपको या? हाँ, आवाज से हम जैसे देखो अमन भाई, हम राजनीति करते हैं यहाँ पे, तो हम हर गांव के आदमी का हमने पता है भाई ये आवाज कुराड़ गांव वालों की है, ये आवाज सुनौली वालों की है। थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा हर गांव में, एक किलोमीटर के दायरे में फर्क आ जाता है। हम जहां तक महसूस कर पा रहे हैं उस आवाज को, वो आवाज पुगथला श्यामड़ी इस साइड के क्षेत्र की है। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे थे मेरे परिवार के रात को घर पे, वो आवाज को सुन रहे थे, उनको आवाज का तजर्बा ज्यादा है। उनका भी यही कहना है कि आवाज मिक्सिंग है सोनीपत प्लस पानीपत। हमारा कहना मतलब ये है कि अंडर 30 से 40 किलोमीटर के दायरे का आदमी आदमी लोकल है। नहीं, अगर मैं तो किसी से मानता नहीं, अगर कोई मानता है तो सामने आ जाए, सामने आके बता दे हमारी ये दुश्मन आई है। संदीप भाई साहब के काम कर दिया कि जो उनके अपडेट का चेयरमैन नहीं कर लिया अपने। अब तक तो भाई साहब कोई ऐसा काम नहीं करा है। पत्रकार मुद्दे आप मैंने जितने भी काम करे हैं सभी के सदन में उकरा है, पास किए हैं। जितने भी काम करे हैं, सामाजिक काम करे हैं, सभी का सम्मान काम किया है। मैं किसी के लिए 4 महीने में ना कहीं थाने में गया हूँ, ना कहीं किसी तहसील में गया हूँ। मेरा काम सिर्फ अपने जिला परिषद को संभालने का है, मैं उसी में व्यस्त हूँ। नहीं देखो, मैं जब मेरी आज तक किसी से दुश्मनाई नहीं हुई तो मैं सब किस पे करूँ? ठीक है जी। एसपी साहब ने अच्छा आश्वासन दिया। एसपी साहब ने कहा कि भाई आपके बच्चों की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेवारी है और आप लोगों की भी। जब तक आप चाहो गनमैन ले लो, गनमैन भेज दिया है, और अगले 24-48 घंटे में ट्रेस करके मुलजिम को पकड़ने की हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है जी, धन्यवाद।